स्ड एडवांस्ड 2024 का फिजिक्स का पेपर वन का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से पूछा गया है क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कह रहा पार्टिकल ऑफ मास इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स एफ आर इज इक्वल टू माइनस के आर नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लगेगा

और आपने अगर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा है तो देखा होगा कि एम वी आर इज टू एन एच बाई कि ये होता है यानी एन हैच जहाँ पे दिखे उसके जगह पे आप एम वी आर पुट कर सकते हैं एच इज द्लास कॉन्स्टेंट एंड एन अ पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे एच कह रहा है प्लांग्स कॉन्स्टेंट और एच कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है इफ वी एंड ई आर द स्पीड एंड टोटल एनर्जी ऑफ दिंग मल्टीपल मल्टीपल ऑप्शन है इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत सावधानी से एनाइज करना होता है हर एक ऑप्शन को ढूंढना होगा एक सही ऑप्शन मिल जाएगा तो वहां पर हमें रुकना नहीं है हर एक ऑप्शन को वो ऑप्शन सही है या गलत पूरी अच्छे से अनलाइज करना होगा तो पहले देखते हैं कि क्या क्या गिवन है करेक्ट सर्कुलर मोशन हो रहा है पार्टिकल है मास एम का इसकी वेलोसिटी है 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 और रेडियस है आर, है ना फोर्स जो लग रहा है वो सेंटर की तरफ है वो है कितना के इंटू आर नेगेटिव साइन यहाँ इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए था और हमने डायरेक्शन लिया सेंटर की तरफ इसलिए नेगेटिव दिखाने की जरूरत फिर इसको दोबारा से नहीं पड़ता है अब एक चीज जानते हैं फ्रॉम द डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है उसे फोर्स कहते हैं और इस फोर्स की जो वैल्यू है के आर वो किस किस पे डिपेंड करना चाहिए वी किस पे डिपेंड करना चाहिए कैसे इसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर और इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो के इन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं तो एक ये क्वेश्चन में जो सिचुएशन दिया गया उसके हिसाब से एक इक्वेशन ये मिलता है जो वी और आर के बीच रिलेशन बताता है और दूसरा एक रिलेशन और कह रहा है यूज करिए कौन सा रिलेशन यूज करना है एल इज टू एन हेच या आप कहिए कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर उसके जगह पे एन हैच पुट कर सकते हैं या जहां एनहेस आपको दिख रहा है वहां पे आप सीधे एम वी आर पुट करिए तो यही दो है जिसको यूज करके हम लोग को ये चार जो ऑप्शन दिए गए उसमें कौन सही है कौन गलत है ये पता करना है क्वेश्चन देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है पर जितना लग रहा है कॉम्प्लेक्स उतना है नहीं इसमें एज बोर्स बोर्स का क्वांटाइजेशन रूल ये सब इंक्लूड कर दिया पर उसका बस एक इक्वेशन हम लोग को यूज करना है घबराना नहीं है पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है एक इक्वेशन हमारे पास है के आर स्क्वायर इजिकल्स टू एम वी और दूसरा हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग यूज करेंगे जहां पे एन हैच है उसको हम रिप्लेस करेंगे एम वी आर से मान लेते हैं ये इक्वेशन टू है अब आइए एक एक इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं है ना पहला ऑप्शन में कह रहा है कि आर स्क्वायर जो है वो एन अंडर रूट वन बाई एम के बराबर है तो अगर हम इधर एल एच एस को लेके चले और इसको सिंपलीफाई करें और ये प्रूव कर ले कि ये आर स्क्वायर के बराबर है तो काम हो जाएगा तो ऑप्शन ए को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे एन हैज एन हैज इंटू वन बाई एमके को लेकर चलते हैं और इसमें हम क्या करेंगे हैच को सबसे पहले रिप्लेस कर लीजिए एम वी आर से अंडर रूट काम करते हैं सबको रूट के अंदर ले चलते हैं सबको रूट के अंदर ले चलिएगा तो जो बाहर है उसको स्क्वायर करके अंदर ले जाना होगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के एम से एक एम को मार दिया अब ये जो एम वी स्क्वायर है यहां से देखिए एम वी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं किससे से एम वी स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या ये अंडर रूट आ गए एम वी स्क्वायर जो दिख रहा है उसके जगह पे के आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर नीचे के ये के से के कट गया तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है बाहर आएगा आर स्क्वायर तो ये जो टर्म है वो आर स्क्वायर के बराबर है यानी हमारा ऑप्शन ए सही कह रहा है है ना? अब आइए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो वी स्क्वायर जो दिखाया गया है टर्म ना, वो कुछ इसी तरह का दिखाया गया है अगर आर स्क्वायर के लिए आपको एक्सप्रेशन एन हैच के टर्म में मिल गया तो वी स्क्वायर के लिए भी एक्सप्रेशन पता किया जा सकता है कि क्या होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं ऑप्शन बी को चेक करने के लिए ए वाले रिजल्ट को यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू कह रहा है कि एन हैज अंडर रूट वन बाई एम के है ये प्रूव हो चुका है कि ये है अब इक्वेशन वन से आप देखेंगे तो आर स्क्वायर के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं क्या इसके जगह पे एम वी स्क्वायर बाई के पुट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो यहां से v स्क्वायर इजिकल्स टू जो एक्सप्रेशन आएगा ये k बाई एम एन हेच अंडर रूट वन बाई एम के है ना सो so यो v स्क्वायर इज ये k और m को ले चलते हैं रूट के अंदर रूट के अंदर जब आप इसको ले जाएंगे तो के को स्क्वायर करना होगा नीचे में m का स्क्वायर करना होगा और ऑलरेडी नीचे m इंटू के पड़ा हुआ के से एक के कट जाएगा एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर एम क्यू फाइनल रिजल्ट कैसा दिख रहा है एन एच अंडर रूट के बाई एम क्यू ये जो ऑप्शन बी कह रहा है वो बिल्कुल मैच कर जा रहा है यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा यहाँ पे सही है है ना अभी तक हमने क्या किया ऑप्शन ए टेस्ट कर लिया ऑप्शन बी के लिए यहाँ पे हम लोग आगे मूव किए बी टेस्ट कर लिए अब ऑप्शन सी को टेस्ट करना है है ना? अब थर्ड ऑप्शन के लिए क्या करते हैं यहाँ पे जो दिया गया है एल में उसको लेकर के चलते हैं एल में आपका एल डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एल के जगह पे आप एम वी आर पुट कर सकते हैं और नीचे एम आर स्क्वायर है तो आप अगर यहाँ ध्यान देंगे तो एक आर से आर को कैंसिल कर सकते हैं एम से एम को तो ये एल बाई एम आर स्क्वायर जो है एक्चुअल में वी बाई आर का रेशियो है अब ये वी बाई आर का जो रेशियो है उसको हम के बाई एम से कैसे रिलेट करेंगे तो उसके लिए इक्वेशन वन पे आइए है ना इक्वेशन वन में आप ध्यान से देखेंगे तो आर और वी का रिलेशन है तो यहां से अगर आप देखें के बाई एम को एक तरफ ले आइए इस वाले में और वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दूसरी तरफ दोनों तरफ रूट ले लीजिए ये रूट अंडर के बाई एम जो है वो v बाई आर के बराबर होगा तो इस v बाई आर को आप रूट अंडर के बाई एम से रिप्लेस कर सकते हैं और ये किसके जगह पे आया है l बाई एम आर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन C भी सही है अभी तक हमने देखा है ए सही है बी सही है सी सही है अब हम लोग को फोर्थ ऑप्शन भी चेक करना होगा इसमें ई e जो है ना ई e को कहा गया है टोटल एनर्जी आइए फोर्थ के लिए देखते हैं अब ऑप्शन डी को चेक कर रहे हैं ठीक है डी में ये ई e जो है टोटल एनर्जी है टोटल एनर्जी कह रहा है एन एच हैच बाई टू अंडर रूट के बाई एम है ये गिवन हैच बाई टू अंडर रूट के बाई एम करेक्ट सबसे पहले ये हमारे काम का नहीं इसको हटाते हैं इसकी जगह पे एम वी आउटपुट कर देते हैं बाई टू यह अंडर रूट के बाई एम करेक्ट अब एक काम करते हैं सबको इस इन सबको रूट के अंदर ले जाते हैं वन बाई टू बाहर इसको रूट के अंदर ले जाइएगा तो एम के सॉरी आर स्क्वायर इंटू के बाई एम है एक एम से एम को कैंसिल कर देते हैं तो क्या बचा है e ई का जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो है हाफ अंडर रूट एम वी स्क्वायर इंटू के आर स्क्वायर और नीचे कुछ है नहीं तो आप इस वाले एक्सप्रेशन को फिर से देखिए के आर स्क्वायर को एम वी स्क्वायर लिखा जा सकता है तो हम क्या इसको अंडर रूट एम वी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको अगर एम वी स्क्वायर से रिप्लेस कर दें ऐसा करने से हमारा रूट हट जाएगा तो ये फाइनली हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर दिखेगा हाफ एम बी स्क्वायर किसको कह रहा है टोटल एनर्जी को पर एक्चुअल में टोटल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है है ना और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ के आर स्क्वायर बाई टू ये ऑलरेडी गिवन है है ना अब यहां से आप देखेंगे के आर स्क्वायर को आप एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं ये हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर एक्चुअल में जो एनर्जी है वो कितना है एम स्क्वायर के बराबर ये एनर्जी होना चाहिए पर ये एनर्जी जो गिवन है ऑप्शन डी जो कह रहा है उससे हाफ एम स्क्वायर आ रहा है इसका मतलब ये सही नहीं है ऑप्शन डी सही नहीं है इसको ऐसे भी समझिए कि ऑप्शन डी में जो एनर्जी के बारे में कह रहा है ना वो सिर्फ हाफ एम स्क्वायर आ रहा है यानी कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी का भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है अगर आप हाफ एम बी स्क्वायर के साथ कुछ भी पॉजिटिव टर्म जोड़ते हैं तो हाफ एम बी स्क्वायर फिर वापस नहीं आएगा उससे थोड़ा बड़ा आएगा तो ये ऐसे भी ऑब्वियसली दिख रहा था पर इसको क्योंकि पूरा वेरीफाई करना था जो टोटल एनर्जी है वो ये होना चाहिए और एम वी स्क्वायर जो है वो इसके बराबर नहीं होगा है ना इसे भी चेक कर सकते हैं एम वी स्क्वायर मतलब इस इसी में एम से मल्टीप्लाई कर देते ऑप्शन बी में एम वी स्क्वायर को हम टोटल एनर्जी लिखते हैं इसको एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहा है राइट right? तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन सही निकला ऑप्शन ए बी सी ये सही है